सबका लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज योग की श्रृंखला में आज हम देखने जा रहे हैं त्रिकोणासन, त्रिभुजासन, ट्रायंगल पोज। तो आइए इसके लिए हम समस्थिति में प्रारंभ करते हैं। समस्थिति ये हमारा हो गया, दोनों हाथ साथ में, दोनों पैर साथ में, एक इंच का गैप दोनों पैर के बीच में रख सकते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड। और इसके लिए हम लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट लेग 2 से 3 फीट दूरी करेंगे, अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे इनहेल करते हुए, और ये राइट लेग 45 डिग्री पर ही रहेंगे और लेफ्ट को हम स्ट्रेट कर लेंगे, ये स्ट्रेट, और हमारे हाथ दोनों पैरेलल टू द ग्राउंड रहेंगे। और एक्सहेल करते हुए, सांसों को छोड़ते हुए हम स्लोली बेंड होंगे, स्लोली बेंड, स्लोली, और एंकल के बैक पोर्शन को टच करेंगे। ये इस तरह से हमारे दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता रहेगा। ये यहाँ पर 5 ब्रेथ आप बने रहिए। ये एंकल के पीछे के भाग नहीं हो रहा, आप थंब छुइए, एंकल छुइए, स्विंग छुइए, स्टैंडर्ड है यहाँ, ऐसे यहाँ 5 ब्रेथ। और धीरे धीरे इनहेल करते हुए, इनहेल करते हुए वापस, यही प्रक्रिया राइट साइड से करेंगे। ये 45 में ही रहेगा और इसे सीधा कर लेंगे। एक्सहेल करते हुए हम नीचे जाएंगे, ये नीचे, ये नजरें हमारे ऊपर की ओर, लेफ्ट हैंड को देखता रहेगा। ये दोनों हाथ स्ट्रेट बनेगा, ये हमारा ट्रायंगल पोज हो चुका है। दोनों पैर को मिला के ये 5 ब्रेथ पर बने रहिए। यहाँ ये हमारे हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप, आर्म्स में खिंचाव हो रहे, शोल्डर ब्लेड में तनाव हो रहे। 5 ब्रेथ के बाद इनहेल करता हुआ स्लोली, ये हमारा एक सेट हो गया। इसी तरह से आप अपने दिनचर्या में 8 सेट कीजिए और वीकली 2 से 3 बार जरूर कीजिए हमारे साथ। एक बार और एक सेट कर लीजिए क्विक ट्रायंगल पोज। इसके लिए लेफ्ट को करेंगे और साथ ही इनहेल करते हुए, जब भी हम अपने बॉडी को चौड़ा करते हैं तो इनहेल करेंगे। मित्रों आप याद रखिए, और लेफ्ट को सीधा, और ये 45 डिग्री हाथ को लेते हुए स्लाइटली लेफ्ट की ओर बेंड होइए। ये आपके ओब्लिक मसल पर भी काम कर रहे हैं, इससे हमारे कमर स्लिप होंगे। लेफ्ट सीधा रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दोनों हाथ आ जाएंगे। यहाँ 5 ब्रेथ बने रहिए, आपके लोअर बैक पर भी काम हो रहा, और इनहेल करता हुआ वापस, यही राइट साइड कीजिए। नजरों को ऊपर, गेज टू द स्काई, आप अपने फिंगर्स को, थंब को देख सकते हैं। यहाँ बने रहिए 5 ब्रेथ, दोनों घुटना स्ट्रेट हो, दोनों एल्बो स्ट्रेट हो, आपके चेस्ट तने हो, शोल्डर ब्लेड फैले हो। इस तरह से इनहेल करते हुए आप ओरिजिनल पोज में आ जाइए। इसके फायदे को देखते हैं, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद। नरेंद्र कुमार की ओर से।